नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज़। वाराणसी नगर निगम निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 49 के समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी रहे गोविंद प्रसाद सिंह ने अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से हराकर विजयी हुए। विजयी होने के बाद गोविंद प्रसाद सिंह ने अपने क्षेत्र में भ्रमण किया और लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। क्षेत्रीय लोगों ने उनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता मुझे प्यार आशीर्वाद दी, इसके लिए जनता को धन्यवाद दिया। गोविंद प्रसाद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे क्षेत्र में जनता विकास कार्य को महत्व दिया है, न कि नाम को। मैंने अपने क्षेत्र में काम किया था, मेरे काम को देखते हुए क्षेत्रीय जनता ने भाजपा के लहर के प्रभाव को नकारा और हमारे कार्यों को महत्व दिया, मुझे वोट देकर भारी मतों से जिताया। वाराणसी से जमील अख्तर की रिपोर्ट। पार्षद के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है जी। वो भी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं आगे आया हूँ और जिम्मेदारी निभाता हूँ। देखा जाए तो इस समय बीजेपी की लहर चल रही थी, उसमें आप सपा से प्रत्याशी बन के क्षेत्र में सपा से जीते हैं, तो आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जी? कठिनाइयां चुनाव में देखिए, ये कहने को कठिनाइयां हैं, लेकिन एक जो जनसेवक होता है और जिसका व्यक्तित्व और कृतित्व जनता के बीच में रहता है, उसके लिए ये सब कठिनाइयां कोई मायने नहीं रखती। और कहने को लहर है, अगर आप ईमानदारी निष्ठा से जनता की सेवा में लगे हैं तो आपको जनता सम्मान देगी, वो किसी भी पार्टी से आप हों। और जो है आपका व्यक्तित्व जब जनता के बीच में जो है आप रहे हैं और आप अपने प्रभाव के बजाय अपने व्यवहार से लोगों का जब दिल जीतते हैं, तो व्यवहार से जीता हुआ दिल हमेशा आपसे मिला रहेगा, और वो जो जुड़ गया आपके व्यवहार से तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपका व्यवहार अगर कायम है तो वो संबंध कायम है, और प्रभाव से जो जुड़ता है तो वो जो प्रभाव ख़त्म होता है तो वो ख़त्म हो जाता है संबंध। तो ये रहा है, और मैंने अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीता है और लोगों के व्यवहार ने मेरा दिल जीता है। हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं जनता से और हम जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी हो कोई हो, और बीजेपी के बारे में आपने चर्चा किया तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पर जो है विगत लगभग 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, और लगभग 7 साल हो गया, और हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं और वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, दोनों लोग हैं, लेकिन नाम के हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ है वो हम लोगों के नेतृत्व में, जो पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, उदयलाल मौर्य जी, उन्हीं के कार्यकाल में ये सब काम हुए हैं तीनों गाँव में। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, और मैंने तो चुनाव में दावे के साथ कहा था मंत्री जी से कि 7 साल आपने जो है कार्यकाल मंत्री रहते हुए किया है, एक भी पेयजल के लिए अगर किसी को यहाँ दरवाजे पर हैंडपंप स्थापित कराए हो तो बता दीजिए, एक भी वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन आपने कराया हो तो बता दीजिए, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया।